Entrevi på sultorgeglia आज दरअसल हम लोग का पार्टी के सक्रिय और पार्टी के नेताओं का जिला की बैठक थी और उस बैठक में पार्टी द्वारा घोषित कार्यक्रम है 30 जनवरी को शिक्षा सुधार मानव कतार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगा रहे पूरे बिहार के लगभग सभी पंचायतों राज्य में लगभग 8,500 से ज़्यादा पंचायत है और सभी पंचायत में एक विद्यालय में मानव कतार लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसी की तैयारी के लिए भोजपुर जिला के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और कार्यकर्ताओं की बैठक संतोषप्रद हुआ और भोजपुर जिला में भी लगभग सभी पंचायतों में पंचायतों के एक पंचायत के एक विद्यालय में मानव कतार लगाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। किन किन बिंदुओं पर आपको बता दें कि शिक्षा के सुधार की जरूरत है, शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की जरूरत है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इसके लिए अक्टूबर में हम लोगों ने पटना में सम्मेलन आयोजित किया था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चिंतित है और चिंतित के साथ साथ सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करा रहा है कि शिक्षा में और बेहतर सुधार की जरूरत है, हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बगैर शिक्षण शिक्षा व्यवस्था को ठीक किए हुए इस राज्य की तरक्की नहीं हो सकती है। राज्य में पठन पाठन की स्थिति को सुधार कर ही शिक्षा को ऊंचाई तक लिया ले जा सकता है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और ये पार्टी के द्वारा घोषित कार्यक्रम। मानव श्रृंखला के लिए कितनी तैयारी आपकी? मानव श्रृंखला माननीय मुख्यमंत्री जी का है, दहेज पर है, बाल विवाह पर है, वो 21 तारीख को सरकार द्वारा घोषित है, आपके पार्टी द्वारा लगा सरकार द्वारा घोषित 21 जनवरी को है और पार्टी के द्वारा घोषित 30 जनवरी को मानव कतार 30 जनवरी को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का शिक्षा में सुधार मानव कतार है और मुख्यमंत्री का है मानव श्रृंखला है 21 तारीख को भी सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी भाग लेगा। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं सभी राजनीतिक दल से, सबों ने माना, सब लोगों ने कहा कि शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन हमने पहल किया है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने पहल किया है कि शिक्षा में सुधार अनिवार्य है। भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं, राज्य सरकार से भी कहना चाहते हैं, चूँकि अब भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही NDA की सरकार है। अब मेरी अपेक्षा जगा है कि अब शिक्षा में तेजी से सुधार होगा, तो शिक्षा में सुधार हो इसके लिए मानव कतार हम लगा रहे हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 30 जनवरी गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर। लगातार आपके पार्टी के द्वारा शिक्षा सुधार की पहल की जा रही, लेकिन अब तक बिहार में शिक्षा जैसे पहले था वैसे ही और बदतर होती है? बहुत हद तक शिक्षा में सुधार हुआ है, आप बता देते हैं। शिक्षा में सुधार की स्थिति ये है, बिहार सरकार की तरफ से बल्कि जो लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या गैर सरकारी विद्यालय जो प्रासंगिक विद्यालय है उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुविधा, बहुत सारे सुविधाएँ योजना चलाई है, लगभग 7 योजनाएँ चलाई है जिसका लाभ छात्र ले रहे हैं। मास्टरों की कमी थी उसको भी भरने की भरपूर कोशिश हो रही है, सिलेबस को टाइमली किया जा रहा है, तो बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ है लेकिन सुधार की प्रक्रिया जारी। अभी भी प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फी, किताब हर साल बदला जा रहा है, उस पर आप लोग कोई? हम लोग का यह है, भारत सरकार की भरपूर कोशिश है NTC का कि आप उसका किताब चलवाइए, लेकिन हमने एक ही शब्दों में कहा कि शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया शुरू है, बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ है लेकिन सुधार की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और हम जो प्राइवेट स्कूल है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है कि हमने प्रस्वीकृति प्राप्त किया है, आपको डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 25% गरीब के बच्चों को भी आपको मुफ्त आपको पठन पाठन करानी है उस विद्यालय। कब तक ये लागू हो? लागू है, बल्कि कहीं से कंप्लेन आता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है कि हमने 25% गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं।